आप मोदी जी को जानते हो क्यों? सिर्फ एक चीज, पॉलिटिक्स की वजह से। आप धोनी और विराट कोहली को जानते हो क्यों? सिर्फ एक चीज, क्रिकेट की वजह से। ऐसे ही मैं कई सारे कंपनी और लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो फेमस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से। दुनिया में कुछ लोग हैं जो हर चीज एक साथ करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो एक ही चीज करते हैं और इसमें मास्टर बन जाते हैं। यदि आप पहली तरह के हैं तो आप काफी एवरेज इंसान रहोगे, और यदि आप दूसरे तरह के हैं तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आज हम वॉरेन बफेट को एज अ मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग करने और सीखने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर, धोनी जैसा क्रिकेटर और मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर सब एक साथ बनने का नहीं सोचा, बस इन्वेस्टिंग में ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस उस पर ही रखा, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक बना दिया। द वन थिंग बाय गैरी केलर बुक इस बारे में है कि आपको अपने लाइफ में एक चीज आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको फेमस के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनाएगा। इस पुस्तक में 3 प्रिंसिपल बताए हैं जिसे याद में रखकर काम करने से आपको एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पावर ऑफ डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 60% लार्जर डोमिनो को गिराने का ताकत रखता है। यदि आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके इसे खड़े कर दो, और जो 2 इंच का पहला डोमिनो गिराने से जो 18th डोमिनो गिरेगा उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार जितनी होगी, और जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी, और जो लास्ट 57th डोमिनो गिरेगा उसका हाइट अर्थ से मून तक की दूरी को कवर कर सके उतनी होगी। मतलब आज का गिराया हुआ सबसे छोटा डोमिनो भविष्य में यानी थोड़े दिन बाद एक ऐसे डोमिनो को गिराने का ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा होता है। मान लो जो आखिरी डोमिनो है वह आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, अब आप उसे डायरेक्टली गिराने की कोशिश करोगे तो वह नहीं गिरेगा। सो इसलिए आपको सारे डोमिनो यानी जो आपके गोल हैं वीकली, मंथली, ईयरली, उसे ऐसा सेट करना चाहिए जब आप आज के गोल को पूरा करो तो वह एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करे और आपके सारे गोल को एक के बाद एक पूरा करते रहे, और फाइनली वह आपके सबसे बड़े गोल को पूरा कर दे। सक्सेस हमें एक साथ नहीं मिलता, यह एक के बाद एक पूरा होता है। यदि आपको अरबपति बनना है तो सबसे पहले करोड़पति बनने का गोल पूरा करो, और उससे पहले लखपति बनने के बारे में सोचो, और यही सबसे सही तरीका है लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाने का। सेकंड, मल्टीटास्किंग इज अ लाइ। अगर कोई आपको बोले कि मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ या एक साथ सारे काम करता हूँ तो आप समझ जाने कि वह फेंक रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता, इवन कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग वर्ड कंप्यूटर से आया है जो एक टैब से दूसरे टैब में इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है वह 2 काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। अब आप बोलोगे कि मैं खाना खाते हुए टीवी देख लेता हूँ, ये भी तो एक मल्टीटास्किंग ही है। अब आप याद करो, जब आप टीवी पर ज़्यादा अटेंशन देने लगते हो तो आप खाना खाना ही भूल जाते हो। इसलिए मल्टीटास्किंग के बजाय अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पर लगाओ, जिससे वह काम इफेक्टिवली और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड, विल पावर इज लिमिटेड। विल पावर को लेकर गैरी केलर का एक फेमस प्रिंसिपल है, हमारी विल पावर एक बैटरी जैसा होता है जो सुबह पूरी फुल होती है पर काम करते करते रात होने तक वह पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यानी वो द वन थिंग सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, हमारे विल पावर यानी जुनून या इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखने और बुक्स पढ़ने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि तब आपके विल पावर को चार्जिंग मिल रहा होता है। अब आप ये पूछोगे कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं तो उसमें से करे कौन सा, तो आप एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसको वन थिंग में कन्वर्ट करो। यानी यदि आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो अपने लिस्ट को जितना हो सके उतना नैरो रखो। एग्जाम्पल, जब सनलाइट नॉर्मली फोकस पर पेपर पर आता है तो कुछ नहीं होता, पर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करो तो वह पेपर को जला देती है। फोकस नैरो रखने का मतलब ये भी है कि आप उन चीज़ों से अपना फोकस हटा दो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और बस उसमें ध्यान दो जो ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल मैंने आपको द वन थिंग बुक से बताया है। लाइक करिए यदि आपको ये प्रिंसिपल काम के लगे, नीचे कमेंट करके बताएं ये वीडियो काम की लगी या नहीं। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें।
मैं और भी ऐसे ही लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।